हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूँ ज़ेबा। आज मैंने लुक क्रिएट किया है, कैसा लग रहा है आपको? अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे किया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स रोजी रेडियंस ग्लो फेस सीरम। एक फेस सीरम है और आपकी स्किन को बहुत 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 अच्छे से ग्लो देता है। पहले हम स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते हैं ताकि हमारा बेस बहुत अच्छा बने और हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे। तो मैं अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। हम एक ग्लो मेकअप करने वाले हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ ग्लैम मेकअप लुक। सो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज अ प्राइमर। सो हेयर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन मेकअप प्राइमर, मेकअप बेस ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा बेस देता है, लाइक आई लाइक इट। सो यहाँ हम अपनी स्किन को प्राइम कर लेंगे आईलिड पे। सो हम अपनी आईज से स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ भी फॉल होता है तो हम उसको बाद में। सबसे पहले मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी कंसीलर। हेयर आई एम यूजिंग लिक्विड कंसीलर स्विस ब्यूटी इन द शेड 02। पहले हम अपने आईज को कंसील कर लेंगे। ब्लेंडर को अच्छे से स्वीज कर लिया है, वेट कर लिया है, इससे हम अपने कंसीलर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सो अब हम इसको पाउडर से सेट कर लेते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 पाउडर। मैंने अच्छे से अपने आईज को सेट कर लिया और ये रेडी है। सो अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। हेयर आई एम यूजिंग जैकलीन हील पैलेट। इसमें काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं आपको, ऑलमोस्ट सारे शेड मिल जाते हैं गाइस, और ये पैलेट बहुत 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 अच्छा है। सबसे पहले मैं अपनी क्रीज को सेट करूँगी। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ लाइट ब्राउन शेड, पिगमेंटेड है। अब हमने इसको अच्छे से निकाल के एक्सेस पाउडर को उसके बाद आप लगाएंगे, सिर्फ जस्ट को आपने अपने क्रीज पे ही लगाना है। बहुत कम प्रोडक्ट देंगे और बहुत कम, एक बार में बहुत सारा लेके हम अपने आईज पे नहीं लगाएंगे। जस्ट मैं इसको अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। और कभी भी आप आई शेडो लगाएंगे हमेशा डार्क कलर आउट ऑफ वे में और लाइट कलर इनर वे में, तभी आपकी आंखें ऐसी लगेंगी। सो मैंने अपनी क्रीज पे लगा ली, आप देख सकते हैं काफ़ी पिगमेंटेड है, पैलेट है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ डार्क पिंक शेड। सो मैं डार्क पिंक शेड लेती हूँ और मैं उसको अपने इनर्स कॉर्नर में लगाऊंगी। आप बहुत कम प्रोडक्ट लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, एक बार में बहुत सारा नहीं लेंगे। जबकि ब्रश में एक्सेस प्रोडक्ट बचता है आप उसको ही नीचे लगा लेंगे लाइक दिस। डार्क पिंक कलर लगा लिया है, अब मैं सेम कलर का थोड़ा सा शिमर लगाऊंगी। हम एक लिटिल ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे। अगर ब्रश नहीं है, अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है तो अपना हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक शिमर शेड दूंगी और मैं इसको अपने हैंड से लगा दूंगी।
माय आईज आर रेडी। हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट फेस स्टाइल फाउंडेशन। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, सो मैं ब्लेंडिंग ब्रश से की हेल्प से उसको लगा लूँगी। पहले अपने स्किन पे अच्छे से टैप डैप करके यूज़ करेंगे अब कंसीलर। सो सेम स्विस फिटी मैं इसको अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लूँगी। मैं इसको सेट करूँगी अपने फेस अपने फेवरेट फेस पाउडर से और ये है HR प्रोफेशनल वाइट एस, इसमें SPF भी है इन द शेड 03। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रो को सेट करूँगी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर लॉन्ग वेयर जेल आईलाइनर। सो ये लाइनर भी है और आप इसे अगर काजल भी सेट कर सकते हैं। सो मैं अपनी पहले आईब्रोज़ को सेट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने लाइनर लगा लिया और मैं अपने कैमरा ऑन करना भूल गई, सो मैंने यूज़ किया ब्लू हेवन लाइनर। नेक्स्ट हम अपने फेस को ब्लश लगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्रश ब्लश इन द शेड 01। नेक्स्ट हम लगाते हैं हाइलाइटर। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्लो किट, इसमें काफ़ी सारे हाइलाइटर आते हैं, यू कैन सी दैट, और ये काफ़ी पिगमेंटेटेड है और ये मुझे बहुत पसंद है। सो मैं इसमें से एक गोल्डन शेड लेके अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। इतना हाइलाइटेड है लाइक बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। मैं अपने से अपने इनर कॉर्नर पे भी लगा लूँगी ताकि मेरी आईज़ भी थोड़ी हाईलाइट हो जाए। मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर ली हैं और हम डार्क उसी सेम शेड को हम अपने नीचे आईज़ पे लगाएंगे। मेकअप इज रेडी। नेक्स्ट इज लिपस्टिक। सो आई एम गोइंग टू यूज आ लैक्मे इनरिच लैक्मे लिप क्रियॉन इन द शेड 01।
द ब्यूटीफुल रेड कलर गाइस। सो हियर इज माय फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, देन प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।